ओम शांति। आसंतु सुनिबा आत्मा को समृद्ध करिबा पाई परमात्मा पितांकर केते गोटी अमूल्य रत्न। भगवान वाच, हे मोर मिठा संतानगण, ए संगम जुगरे ही तुम मानकु आत्मा अभिमानी हेबा पाई परिश्रम करिबाकु पडुछि, अन्य कोनोसी जुगरे नुहे। परमात्मा कहउछन्ति श्रीकृष्णंकर नाम तांको माता पितांको ठारु मध्य अधिक प्रसिद्ध, कारण तांको पितामातांकर जन्म योगबल द्वारा हेउ नाही, कृष्णंकर आत्मा ही संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करुछन्ति। तेणु प्रथमे सद्गति प्राप्त करुछन्ति। प्रत्येक आत्मा जेतेबेले शांति धाम को चली जिवे सेतेबेले जाई पवित्र नुआ दुनिया रे ही श्रीकृष्णंकर योगबल द्वारा जन्म हेउछि। तृतीयतः ए संगम युगरे कृष्णंकर आत्मा सबुठारु अधिक पुरुषार्थ करिछन्ति, सेहिथिपाई तांकर नाम अधिक प्रसिद्ध। भगवान 5000 वर्ष परे थरे मात्र पिलामानंकु आसी पाठ पढाउछन्ति। पिलामाने मध्य डाकुछन्ति, हे पतित पावन आस, आम पतित मानकु उद्धार कर। तेणु एथिरु सिद्ध हेउछि जे यह हेउछि पतित दुनिया। भगवान आसी यह को पवित्र सत्प्रधान स्वर्ग दुनिया रे परिवर्तन करुछन्ति। कोनोसी साधु संत माने तांको अनुसरणकारी बा भक्त मानकु एपरि कहि परिबे नाही, कारण तांकु ए कथा जणा ही नाही, जेहेतु से माने निवृत्ति मार्गधारी अटंती। तेणु एही सृष्टिर खेलकु मध्य से माने जानी नाहंती। बाबांक व्यतीत केही मध्य सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान देई परिबे नाही। भगवान वाच, तुमे संतान माने वर्तमान राजयोग शिखुछ, जानिछ जे आदि सनातन देवी देवता धर्मर मूलद्वा स्थापन हेउछि। सूर्यवंशी चंद्रवंशी उभय राजत्व स्थापन हेउछि। जे भल भावरे पुरुषार्थ करिव से सूर्यवंशी हेब। बाबा ही आसी ब्रह्मांक द्वारा स्वर्गर स्थापना करूछन्ति। ब्रह्मांको प्रजापिता बोली कहा जाउछि, किंतु तांको रचयिता कहा जीव नाही। शिव बाबा यहाँको द्वारा पिलामानंको पोष्य करूछन्ति, ब्रह्मांको मध्य सृष्टि करूछन्ति। बाबा कहउछन्ति, जे भल कर्म करन्ति से उच्च कुलरे जन्म नै थांती। एबे तुमे पुरुषार्थ अनुसार फूल अर्थात सतप्रधान हेउछ। तुमे मध्य काहाकु हेले बुझेई परिबो आमे एही परी लक्ष्मी नारायण हेबा पाई पाठ पढुछु। विश्वरे वर्तमान एमानंकर राज्य स्थापन हेउछि। ईश्वरीय महावाक्य हेउछि बुद्धि को पवित्र करिवा पाई जोगर यात्रा रे मस्त रहिबाकु हेबो। कर्म धंदा करुथिले मध्य एकमात्र परमात्मांकर स्मृति याद रहु, तेबे जाई विकर्माजित होई परिबो। एही पुरुषोत्तम संगम युगरे मनुष्य रु देवता हेबा पाई मेहनत करिबाकु हेबो। भल कर्म अनुसार भल संस्कार धारण करी भल कुलरे जन्म नेबाकु पड़िबो। भगवान वाच, सारा विश्व तुम मानंक भली जगतर ज्योति आत्मा मानंक नयन बा दृष्टि नेबा पाई अपेक्षा करिछन्ति। तेणु नयन रु जो रश्मि बा शक्तिशाली किरण बाहरुची सेति पाई से माने आतुर होई रहिछन्ति। जेतेबेले तुमे ज्योति माने निजर संपूर्ण अवस्था रे पहुँचीब अर्थात संपूर्णतार नयन खोलिब, सेतेबेले गोटिए सेकेंड रे विश्व परिवर्तन होई जीव। तापरे तुमे दर्शनीय मूर्ति आत्मा माने निजर दृष्टि द्वारा भक्त आत्मा मानंको कृतार्थ करि परिबो। तुमर दृष्टि द्वारा धन्य होउथिबा आत्मा मानंकर धाड़ी बहुत लंबा, सेथिपाई संपूर्णतार नयन सर्वदा खोला रहिबा दरकार। तेणु एबे आखि मलिबा अर्थात संकल्परे अणनिश्वासी हेबा बा ढुलेइबा बंद कर, तेबे जाई दर्शनीय अमृत होई पारिबो। सफलता को प्राप्त करिबाकु हेले निर्मल हुओ। निर्मल स्वभाव ही निर्माण तार प्रतीक अटे। अच्छा, आज एतिकी। पुणी आसंता काली ठीक यही समय रे मु आपण मानक सम्मुखरे उपस्थित हेबी, सेई परम प्रिय परमात्मांकर आउ किछि अमूल्य महावाक्य को नेई। ओम शांति। ओम शांति। आसंतु सुनिबा आत्मा को समृद्ध करिबा पाई परमात्मा पितांकर केते गोटी अमूल्य रत्न। भगवान वाच, हे मोर मिठा संतानगण, एई संगम जुगरे ही तुम मानंकु आत्मा अभिमानी हेबा पाई परिश्रम करिबाकु पडुछि, अन्य कोनोसी जुगरे नुहे। परमात्मा कहुछंती श्रीकृष्णंकर नाम तांको माता पितांको ठारु मध्य अधिक प्रसिद्ध, कारण तांको पितामातांकर जन्म योगबल द्वारा हेउ नाही, कृष्णंकर आत्मा ही संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करुछंती। तेणु प्रथमे सद्गति प्राप्त करुछंती। प्रत्येक आत्मा जेतेबेले शांति धाम को चली जिवे, सेतेबेले जाई पवित्र नुआ दुनिया रे ही श्रीकृष्णंकर योगबल द्वारा जन्म हेउछि। तृतीयतः एई संगम युगरे कृष्णंकर आत्मा सबुठारु अधिक पुरुषार्थ करिछन्ति, सेइथिपाई तांकर नाम अधिक प्रसिद्ध। भगवान 5000 वर्ष परे थरे मात्र पिलामानंकु आसी पाठ पढाउछन्ति। पिलामाने मध्य डाकुछन्ति, हे पतित पावन आस, आम पतित मानंकु उद्धार कर। तेणु एथिरु सिद्ध हेउछि जे यह हेउछि पतित दुनिया। भगवान आसी यहाको पवित्र सत्वप्रधान स्वर्ग दुनिया रे परिवर्तन करुछन्ति। कौनसी साधु संत माने तांको अनुसरणकारी बा